Hey guys, welcome back to my channel. So as like my last video, I'm again going back to my flat because weekends I was with my friends and family enjoying some time. But जो उस वीडियो से अलग है वो है दिल्ली का वेदर. भाई जो बारिश हो रही है ना चार दिनों से, दिल्ली तो डूब जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन जो दिल्ली वालों को ये मौसम मिल रखा है ना भाई, ऐसा मौसम दिल्ली वालों को सालों में कभी एक दो बार ही मिलता है. हाँ तो भाई करें वीडियो स्टार्ट. सो दिस वीडियो इज अबाउट दिल्ली के खर्चे की, हाउ एक्सपेंसिव दिल्ली इज टू लिव एज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट के कितना क्या खर्चा हो जाता है. और सच बताऊं बहुत ज्यादा ही हो जाता है. तो बैठ जाओ और पूरी वीडियो देख लो ताकि सब क्लियर हो जाए. सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उस खर्चे की जो की सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में ऑलमोस्ट मैंने अपनी सारी वीडियोस में डिस्कस कराए कितने क्या पैसे लग जाते हैं. बट इन दिस वीडियो आई एम गोना एलैबोरेट इट मोर. मैं सब कुछ आपके आगे ऐसे रख दूंगा प्लेट में प्लैटर बना के, तो आप देख लेना. तो सबसे पहले आता है पीजी. पीजी के बारे में मैंने बहुत बार बताया कि रेंट मे वैरी लाइक 5000 से 10000 के बीच में और उससे ऊपर लाइक पीजी लेने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि यार क्यों लेना है फिर पीजी. फ्लैट ले लो ना, ज्यादा अच्छे कंफर्टेबल लाइफ जियोगे. फ्लैट ले लो, 10000 से ऊपर दे रहे हो तो फ्लैट लो, छुट्टी करो, टेंशन फ्री. बिकॉज पीजी में आपको एक तो रूम शेयर करना पड़ेगा एंड मेजरली वहां पे एक एक्सपेंस होता है आपके पीजी का रेंट एंड डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे हो गया ट्रैवल एंड एनीथिंग एल्स जो मैं लाइक वीडियो में कवर करूंगा. तो फूड का पीजी में इतना कोई टेंशन होता नहीं है बिकॉज मेजरली पीजी में कॉम्प्लीमेंट्री होता है फूड क्योंकि यार रूम भी शेयर कर रहे हो तो कुछ तो देंगे ना, तो फूड कॉम्प्लीमेंट्री होता है. लाइक मेजरली बोला मैंने जो अच्छे पीजीज होते हैं, नॉर्मल पीजीज में वो इंक्लूडेड नहीं होता जिसका लाइक फीस होती है अराउंड 2500 और 3000 मिनिमम. आपको 7-8000 स्पेंड करके फूड वाला पीजी भी मिल जाएगा. पीजी का तो हो गया वो. एंड उसके बाद आते हैं हॉस्टल्स में. लाइक मेनी पीपल डू आस्क मी अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स, तो मैं उन बता दूं एक तो मेनी ऑफ द कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी दे डोंट हैव हॉस्टल फैसिलिटीज एंड जिन कॉलेजेस के पास हॉस्टल है मैं उनकी सच्चाई बताता हूं आपको. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दे आर वेरी एक्सपेंसिव. लाइक फॉर से अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हॉस्टल इज फॉर 40,000 तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल विल बी अराउंड 80,000 और 1 लाख अ ईयर. तो वो आप देख लेना कि इतने पैसे देके हॉस्टल में क्यों रहना है. थर्ड आते हैं फ्लैट जहां पे मैं रह रहा हूँ. तो फ्लैट के रेंट मे वेरी अराउंड 15,000 टू अप टू ईयर लिमिट. फ्लैट तो यार फिर जितना ज्यादा पैसे डालोगे उतनी आपको लग्जरी प्रॉपर्टी मिलती जाएगी एंड कंफर्टेबल प्रॉपर्टी. तो अराउंड लाइक फॉर अ स्टूडेंट अराउंड 15,000 से 40,000 अंडर आपको बहुत सारे फ्लैट मिल जाएंगे एंड जिसमें यू गाइस कैन स्प्लिट अमंग पीपल कितने लोग उस फ्लैट में रह रहे हैं तो उस हिसाब से आपका एक्सपेंस डिवाइड हो जाएगा. लेकिन फ्लैट में भाई खर्चे कम नहीं है बिकॉज फ्लैट के साथ आते हैं कुछ ऐसे खर्चे जो आपका माइंड बिल्कुल ऐसे कर देंगे बूम. अच्छा ये सब भी होता है क्योंकि यहाँ फ्लैट में रहना इज जस्ट लाइक घर में रह रहे हो और आपको घर के सारे खर्चे देखने हैं. तो फ्लैट में मेजरली जो खर्चे आते हैं मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ वो है सो लाइक आई केम टू गेट सम ग्रोसरीज बिकॉज व्हेन यू लिव अलोन तो ऑफ कोर्स खाने के लिए तो चाहिएगा ना. तो बेसिक थिंग्स लाइक मैगी एंड अदर थिंग्स. सो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए होती हैं और इसमें मेजर एक्सपेंस आपका जाता ही जाता है. एंड देन आते हैं उसके बाद मेड्स के खर्चे क्योंकि इतना बड़ा फ्लैट है तो डर्टी भी होता है तो क्लीनिंग तो होगी ना. अब पीजी में तो वीकली बेसिस पे उनकी मेड्स या तो आती हैं या आपको सफाई करनी पड़ती है. अब लेकिन फ्लैट में रहोगे इतना बड़ा फ्लैट है तो इतना टाइम आपके पास भी नहीं है क्योंकि आप कॉलेज जाओगे, असाइनमेंट करोगे, एग्जाम के लिए प्रेप करोगे और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करोगे तो इतना टाइम नहीं होता. तो मेड रखोगे तो मेड के भी आराम से 5,000 रुपए लगा के चलो कि लगते ही लगते हैं. और इट डिपेंड्स एरिया टू एरिया कितना क्या एक्सपेंसिव एरिया है. ये तो हो गया मेड के खर्चे. खाने का खर्चा और खाना बनाने के लिए गैस भरवाने का खर्चा. एंड अगर फूड आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो जैसे दिल्ली में स्विगी जोमैटो एक बहुत अच्छे ऑनलाइन डिलीवरी सोर्स है फूड के, तो वहां पे आपकी कॉस्टिंग डबल हो जाएगी स्ट्रेट कट बिकॉज मेन्यू पे 20% डायरेक्ट कट होता है और उसके बाद आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं विद जीएसटी एंड अदर टैक्सेस. तो देख लेना, मैंने तो 6-7 महीने करके देखा था और मैं ब्रोक हो गया था सच बताऊं तो. एंड जो और मेजर खर्चे आते हैं फ्लैट्स में वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल. अभी मैं दिखाता हूँ कि कितना क्या लग जाता है. ये देखो भाई ऑलमोस्ट 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और इस महीने तो देखो भैया 14,000 रुपए. एंड यार दोस्तों के साथ बाहर जाने का इंस्टेंट प्लान बन जाए तो उसके खर्चे ट्राई करो यार. हो गई, आ जाऊं
पीछे जो सामान रखा है ज्यादा तेज तो बंद नहीं करी ना मैंने, थोड़ी सी तेज हो गई बट ये ऑटोमेटिकली थोड़ी तेज। So here I came at Aero City Walmart. So मेरे पीछे there are multiple cafes and you can look what's the view around. There's 18 Commune. 18 Commune belongs to Virat Kohli, like it's Virat Kohli's restaurant. And अभी यहाँ पे like ये close हो गया है. Shore उस side है. Vlogging. आप frame ना लेना चाहे मेरा. Guys ये थोड़ी spooky नहीं है? इन सब के बाद एक और एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाती है आपके एक्सपेंसेस में, वो है कम्यूटेशन का। दिल्ली में पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए अगर आप ई रिक्शा भी लेते हो तो उसमें भी आपके 40-50 रुपए 10-20 रुपए निकलते ही निकलते हैं। और मेट्रो में तो स्ट्रेट का 30 और 50 के बीच में आपके चार्जेस लगेंगे जिसमें बहुत पैसे चले जाते हैं। तो ट्रैवलिंग भी एक बहुत बिग एक्सपेंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहने के लिए। सो दिस वॉज द एक्सपेंस टू लिव इन दिल्ली एज अ स्टूडेंट। लाइक मैंने आपको एक लमसम आइडिया दे दिया कि कितना क्या स्पेंड हो जाता है एज अ स्टूडेंट टू लिव इन दिल्ली। मैंने इस वीडियो में कोई प्राइस टैग कोट नहीं करा है, मंथली इतना स्पेंड होगा ही होगा बिकॉज इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, आप अपने बजट को कैसे मैनेज करते हो। लाइक अगर आपका बजट टाइट है तो इंस्टेड ऑफ मेट्रो यू कैन टेक बस सर्विस, इट डिपेंड्स ऑन यू। इसलिए मैंने कोई प्राइस टैग कोट करा नहीं है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।